हाय गाइस, तो आ गए आप लोग फिर से। तो आज मैं पेश करने वाला हूँ जून में मिलने वाली बेस्ट लैपटॉप्स की लिस्ट अंडर ₹45,000। एंड हर वीडियो की तरह इसमें भी हम डिस्कस करेंगे उन्हीं लैपटॉप्स के फीचर्स के बारे में एंड मेरे फेवरेट और आपके फेवरेट कुछ ऐसे लैपटॉप्स जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि मार्केट ट्रेंड क्या है, कि जून में 45,000 में जेब में लेके निकलूँ तो किस तरीके का लैपटॉप मुझे मिलेगा। तो यही जानना आपके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है एंड हेंस सबसे पहले वीडियो में वही पेश करने वाला हूं कि मार्केट ट्रेंड क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं एंड सीधा बढ़ते हैं प्रोसेसर की तरफ। तो गाइस, प्रोसेसर में आपको मिलेगा यहां पर इंटेल का i3 11 जनरेशन एंड i5 10 जेन, ठीक है। और बात करें AMD की तो Ryzen 5 तो मिलना ही है। अब देखो नोट करने वाली बात क्या है गाइस, कोई भी i3 10 जेन नहीं लेगा, ये नोट करना है हमें इस पॉइंट से। रैम में 8GB की रैम आपको लेनी है, 4GB की रैम कोई भी नहीं लेगा। बात करें स्टोरेज की तो गाइज 128GB की SSD मस्ट है, 256GB भी मिलती है एंड 512GB की भी मिलती है, बट कोई भी HDD नहीं लेगा। अब अगर बेसिक्स आपको समझ में आ गए हैं तो सीधा बात करते हैं लैपटॉप्स की। एंड सबसे मज़ेदार लैपटॉप शायद पूरी लिस्ट में मिलने वाला यही है। तो गाइज ये है आपका HP 15, ये आता है आपका Ryzen 3 3250U के प्रोसेसर के साथ, जिसमें आपको 2.6GHz की बेस स्पीड मिलेगी एंड टैबू इज वेगी अप टू 3.5GHz। अब अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है ना जो वीडियो स्किप करने वाला है, तो यहाँ आपका हो गया नुकसान, क्योंकि अब जो पॉइंट बताऊंगा वो है क्रूशियल, क्योंकि ये लैपटॉप तो आपको लेना नहीं है, ठीक है। इस लैपटॉप को नहीं लेना, क्यों? अगर आपने शुरू में चेक किया है कि Ryzen 5 बोला था मैंने एंड यहाँ पे Ryzen 3 है, तो हमें इसको नहीं लेना है। पॉइंट नंबर टू, रैम 8GB की रैम ये दे रहा है, चिकमा, मतलब परफेक्ट है रैम के मामले में। और स्टोरेज में भी देखोगे तो आपको NVMe SSD मिल रही है 256GB की, विच इज ऑल्सो गुड। 15 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, AMD रेडियन ग्राफिक्स है, हल्का है, 1.82 kg का वेट है, 12 घंटे की बैटरी लाइफ है। माइक्रोफोन में आपको HP TrueVision का HD कैमरा मिलेगा, विंडोज 10 होम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पोर्ट, वही बाकी सभी सारे। एंड प्राइस इसका 41,990। तो आप समझ ही गए हो कि इस लैपटॉप को नहीं लेना, स्पेक में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट क्योंकि प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। एंड ये वो लैपटॉप है जो लगेगा आपको अपीलिंग कि ले लेता हूँ यार, बट नहीं लेना है। तो उसके बाद बात करते हैं गाइज आज के अगले लैपटॉप की, जो कि है आपका HP 15। तो ये आता है आपका i3 10 जेन के साथ, जिसमें आपको 2.1GHz की बेस स्पीड मिलेगी एंड टर्बो बूस्ट मिलेगी अप टू 4.1GHz। अगर आप इस वीडियो को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है ये लैपटॉप मैं रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। क्यों? अब ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, आप समझदार हो, और अगर नहीं समझे हो तो शुरू में जाओ और देख लो कि मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, कि अंडर 40,000 में कैसे स्पेक आपको मिल रहे हैं। एंड गाइज दैट इज वाई इस लैपटॉप को मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। 8GB की रैम है, 256GB की NVMe SSD है, 15 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 10 होम मिल रहा है आपको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल रहा है, AMD रेडियन का ग्राफिक्स है, एंड प्राइस इसका 43,890। तो मतलब ठीक है प्राइस वाइज अगर प्रोसेसर हटा दिया जाए तो, बट ये जो दोनों लैपटॉप मैंने आपको बताया ना, ये कंपनी लॉन्च कर दिया आपको पागल बनाने के लिए, जेन्युइनली। क्योंकि क्या मतलब बनता है पुराने प्रोसेसर को आज भी लैपटॉप में लॉन्च करो एंड इसके साथ साथ आप लेटेस्ट वाला भी लॉन्च करो विद द सेम नेम। तो गाइज ये वाला आपको एक्चुअली में लेना है। तो गाइज ये है आपका HP का 15। तो ये आता है आपका i3 11 जनरेशन के साथ, 10 नहीं, जिसमें आपको 4.1GHz की टर्बो बूस्ट मिलेगी, 8GB की रैम है जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो 16GB तक, 256GB की NVMe SSD है, 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले है विच इज़ नाइस, इंटेल USD का ग्राफिक्स है, विंडोज 10 होम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम इंस्टॉलेशन है, प्राइस है इसका 43,890। इन शॉर्ट लिटरली पैसा वसूल लैपटॉप। अब देखो कॉल आपकी है, आप Ryzen 3 भी ले सकते थे 41,000 का और आप इंटेल i3 10 जेन भी ले सकते थे, बट मेरा आपको बताना जरूरी है कि i3 11 जेन मार्केट में आ रहा है एंड बहुत सारे लैपटॉप में, बहुत सारे ऑप्शंस में आ रहा है। तो गाइस पुराने स्पेक्स को मत लेना, मार्केट में वो भी अवेलेबल हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो शुरू में जाओ वीडियो चेक कर लो, और अगर यहाँ तक आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करी हो इस वीडियो ने तो यार एक लाइक दबा दो, और अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में आके पूछ लो। एंड @421gadgets इंस्टाग्राम पे भी मैं जवाब दूंगा, और जाओ मत यार वीडियोस में और भी लैपटॉप्स हैं, घबराओ मत, ये सिर्फ आपको एक डेमो देने के लिए था कि कैसे लैपटॉप मार्केट में आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं हमारे अगले लैपटॉप की। तो गाइज ये है आपका डेल इंस्पिरॉन 15, ये आता है आपका i3 10 जेन के साथ, जिसमें आपको 1.2GHz की बेस स्पीड मिलेगी एंड टर्बो बूस्ट मिलेगी टू 3.4GHz। क्या लगता है रेकमेंड करूं इसको नहीं करूं? अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो ढंग से तो आपको पता है कि इस लैपटॉप को नहीं लेना है। बाकी इसकी सारी स्पेक दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। देखो 8GB की रैम है, 1TB की HDD है,
कैन यू बिलीव दैट डेल जैसी कंपनी भी HDD दे रही है 45,000 के प्राइस पॉइंट पर। ये दूसरा फ्लॉ था इसमें, जो कि मैं चाहता था आपको पता चले कि मार्केट में ऐसे ऐसे धोखे भी होते हैं। गाइज, SSD से नीचे नहीं लेना है, शुरू में जाओ चेक कर लो एक बार फिर से ताकि आपको कंप्लीटली आइडिया लग जाए। तो देखो, विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड प्राइस का 42,890 मार्केट में आ रहा है, अमेजन पे बिक रहा है, लेकिन इसको नहीं लेना है। जस्ट बिकॉज कोई लैपटॉप अमेजन पे मिलता है इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है, या फिर ब्रांड अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि लैपटॉप अच्छा है। हमें पता होना चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है, क्या स्पेक्स आपको लेनी है बड़े फिर अगले लैपटॉप पे। ये है आपका अविता का लाइवर 14। तो सीधा इसके भी स्पेक्स की बात करते हैं। तो गाइस, ये आता है आपका i5 10th जेन के साथ, जिसमें आपको 1.6 GHz की बेस स्पीड मिलेगी एंड टर्बो बूस्ट मिलेगी अप टू 4.2 GHz। पता है ना i5 10th जेन लेना है, नहीं पता है तो शुरू में जाओ चेक करो क्या क्या स्पेक बताई है मैंने। i5 10th जेन हम ओके करते हैं। तो उसके साथ साथ इसमें आपको मिलेगी 8GB की DDR4 RAM, 512GB की NVMe SSD, 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले विच इज गुड, बैकलिट कीबोर्ड है, विंडोज 10 होम है, बाकी बहुत ही लाइट वेट है, 1.25 kg का वेट है, एल्यूमिनियम बॉडी है जो कोई भी नहीं देता, सब प्लास्टिक देते हैं इस प्राइस पॉइंट पे, वही सारे पोर्ट्स जो हर कोई देता है। बाकी अच्छी बात यह है इसमें आपको 18+6 months की वारंटी है एंड प्राइस है इसका 41,000 ऑलमोस्ट। तो क्या लगता है आपको, HP वाला बेटर था या फिर ये वाला बेटर है? गाइज देखो, ब्रांड ब्रांड की बात होती है, मेरे लिए लिटरली दोनों ही बहुत ही अच्छे लैपटॉप हैं। अगर आप थोड़ा स्टेबिलिटी चाह रहे हो, ब्रांड का नाम चाह रहे हो, तो गाइज HP वाला इज़ वर्थ इट। बट अगर आप थोड़ा सा स्पेक में ज़्यादा बम्प अप चाह रहे हो, तो गाइज अविता वाला ज़्यादा बेटर स्पेक्स ऑफर करता है। तो पट्टे हमारे आज के अगले लैपटॉप की तरफ, जो कि आपका लेनोवो की तरफ से आता है। तो गाइज ये है आपका Lenovo IdeaPad 3, ये आता है आपका Intel i3 11th Gen के साथ, जिसमें आपको 3.0 GHz की बेस स्पीड मिलेगी एंड 4.1 की टर्बो बूस्ट, 8GB की रैम है जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हो 12GB तक, 256GB की SSD है, 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले है विच इज गुड। अब बात करें वेट की, तो आपको 1.4 kg का वेट है जो कि बहुत ही हल्का वेट है। बैटरी लाइफ की बात करें तो 8 घंटे की बैटरी लाइफ मिल रही है, रैपिड चार्ज मिल रहा है यानी कि 80% इन 1 आवर, विच इज टोटली ऑसम। 720p का कैमरा है विद प्रिविसी शटर। प्रिविसी शटर गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग देते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं देते, इतना पैसा बचा के कहाँ जाओगे। अगर किसी को नहीं पता प्रिविसी शटर क्या होता है, तो कैमरे के आगे ना एक लिड होती है, इससे आप कैमरे को बंद कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा फीचर है। बाकी दो 1.5 वॉट के स्पीकर मिल रहे हैं आपको इसमें, विंडोज 10 होम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट एडिशन है, वही अच्छे पोर्ट्स हैं इसमें जो सब में होते हैं, प्राइस इसका 43,990। परफेक्ट लैपटॉप विथ लेटेस्ट स्पेक्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें हम। तो बात करते हैं हमारी लिस्ट में मिलने वाले सबसे बेहतरीन लैपटॉप की। हाँ गाइज, और लेनोवो का एक कॉम्पिटिटर है हर मामले में, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लैपटॉप बहुत ही बेकार थे, इट्स जस्ट दैट ये थोड़ा सा मेरा पर्सनल फेवरेट है। बट अगर आपको लिस्ट में किसी और लैपटॉप को लेना, बेधड़क होकर ले सकते हैं, सारे के सारे A1 क्वालिटी के लैपटॉप हैं। तो सीधा बात करते हैं इसके स्पेक की। तो गाइज ये है आपका HP 14। जी हाँ, एक शुरू में बताया था HP 15 i3 11 जेन वाला, यह है HP 14 आपका 5300U वाला। तो ये आता है आपका Ryzen 3 5300U जो कि 2.6 GHz की बेस स्पीड के साथ आता है एंड जिसमें टर्बो बूस्ट मिलता है अप टू 3.8 GHz। गाइस लिटरली बहुत फास्ट है प्रोसेसर, आपका Ryzen 3 का 5th जनरेशन है, ठीक है। 8GB की रैम है जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो 16GB तक एंड उसके साथ साथ आपको स्टोरेज मिल रही है 512GB की NVMe SSD विच इज गुड, 14 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, 45% NTSC है, विंडोज 10 होम मिल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एलेक्सा बिल्ट इन का सपोर्ट है, AMD रेडियन ग्राफिक्स है एंड प्राइस है इसका 41,990। मतलब क्या बताऊं मैं, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। बट गाइज, लेनोवो इसका बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है, अगर आप इसको नहीं लेना चाह रहे हो लेनोवो वाला बिल्कुल ले सकते हो, जो लास्ट में मैंने आपको दिखाया वो भी बहुत अच्छा लैपटॉप है। इनफैक्ट मुझे सारे लैपटॉप पर्सनली काफ़ी फेवरेट लगते हैं। बट गाइज, अगर आपके पास कोई ऐसा लैपटॉप है जो मैंने लिस्ट में कवर नहीं करा, ठीक है, हो सकता है होगा ही, तो गाइज इंस्टाग्राम पे आ जाओ @421gadgets, वहां पर मैं लिटरली सबको जवाब देता हूं, तो आपको भी दूंगा ही दूंगा। बाकी एंड करते हैं इसके साथ हमारी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो ने कोई भी वैल्यू ऐड करी हो, तो गाइज लाइक बटन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।